वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग जानेंगे व्हाट इज शैंपेन, शैंपेन किसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। सीधा और आसान शब्दों में इसका अगर आंसर दूं तो बहुत सिंपल है, शैंपेन मतलब स्पार्कलिंग वाइन। अब स्पार्कलिंग वाइन क्या है, आपके मन में ये क्वेश्चन आ गया होगा। व्हाइट वाइन आपने देखा होगा जो सिंपल है, ऐसे ही व्हाइट वाइन रहता है। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, यह है व्हाइट वाइन, हल्का पेलिश येलो हो चुका है, तो इसको कहते हैं व्हाइट वाइन। यह है स्टिल वाइन, स्टिल मतलब इसमें कोई स्पार्कल आपको नहीं दिख रहा है, जैसे कि सिंपल वाटर, इसमें कोई स्पार्कल आपको दिख रहा है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है, नहीं। यह है स्टिल वाटर, यह है स्टिल वाइन, यह स्टिल वाटर। अब इसमें अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को इन्फ्यूज कर दूं तो यह क्या बन जाएगा, बन जाएगा स्पार्कलिंग वाटर, मतलब सोडा है ना, इसके अंदर में कार्बन है ना, तो यह बन गया स्पार्कलिंग वाटर। तो फिर इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड को इन्फ्यूज किया जाता है तब जाके ये बन जाता है स्पार्कलिंग वाइन। तो समझ में आ गया आपको कि क्या है शैंपेन। अभी तक आपको समझ में नहीं आया कि हम लोग इसको शैंपेन क्यों पुकारते हैं, मतलब स्पार्कलिंग वाइन तो है बट शैंपेन क्यों पुकारते हैं। ऑल शैंपेन आर स्पार्कलिंग वाइन बट नॉट ऑल स्पार्कलिंग वाइन इज शैंपेन। तो इसको फिर समझते हैं कि इसमें क्या माजरा है, और भी आसान तरीके से आपको समझा देता हूं कि यहां पर है मोइट शैडो, ये एक शैंपेन है और इसके अंदर में जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली स्पार्कलिंग वाइन है, बट इसको हम लोग शैंपेन इसलिए पुकारते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है और ये जो ड्रिंक है ये बना है शैंपेन रीजन में। फ्रांस में एक पर्टिकुलर जगह है, एक रीजन है जहां पर स्पार्कलिंग वाइन अगर बनेगा तो उसको हम लोग शैंपेन बोल सकते हैं या शैंपेन बोलो लिख सकता है। एक एग्जाम्पल दूंगा तो आप समझ जाएंगे। मान लेता हूं कि आप दिल्ली, मुंबई, मैड्रास इधर उधर कहीं रहते हैं, तो अगर वहां पर आप कोई चाय बनाते हैं क्या आप बोल सकते हैं कि यू नो दार्जिलिंग टी, नो राइट। आपको अगर दार्जिलिंग टी बनाना है तो आपको दार्जिलिंग में जाकर ही बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये जो है ये एक रीजन फैक्टर है। तो ऐसे ही कुछ है शैंपेन भी, कोई भी स्पार्कलिंग वाइन अगर शैंपेन रीजन में बनता है तब जाके उस पर्टिकुलर स्पार्कलिंग वाइन को कहा जाएगा शैंपेन। बट सिर्फ यही एक क्राइटेरिया नहीं है, शैंपेन को शैंपेन कहलाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल को फॉलो करना पड़ता है जिसको कहा जाता है मिथोरे शैंपेनाज, और ये फॉलो करके ही शैंपेन बनेगा। मतलब कुछ रूल भी है जिसको फॉलो करना पड़ता है। अब तक आपको समझ में आ गया है कि क्या है स्पार्कलिंग वाइन, क्या है शैंपेन। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शैंपेन को कैसे बनाते हैं या कैसे बनाया जाता है। पास पास हम लोग ये भी देखेंगे अदर कंट्रीज में अगर स्पार्कलिंग वाइन को बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, इफ यू आर अ ड्रिंक एंथुसियास्ट देन यू मस्ट ज्वाइन आवर 10 डेज ऑनलाइन बारटेंडिंग कोर्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चलिए मिलते हैं कोर्स में। तो चलिए पहले जानते हैं कि शैंपेन को कैसे बनाया जाता है। शैंपेन को बनाने के लिए तीन प्रिंसिपल ग्रेप्स का जरूरत पड़ता है, एक है पिनो नोयर, एक है पिनो मुनियर और एक है शार्डोने। ये जो पिनो नोयर पिनो मुनियर है ये रेड ग्रेप्स है, जी हाँ रेड ग्रेप्स। फिर भी शैंपेन का कलर आपने देखा है व्हाइट है ना। कोई भी रेड ग्रेप्स को आप अगर प्रेस करेंगे तो देखेंगे उसका जो जूस है वो यूजुअली व्हाइट होता है, उसका जूस का कलर रेड नहीं होता है। इसीलिए उन सब जूस को यूज करते हैं शैंपेन को बनाने के लिए, पहले उसको प्रेस करते हैं उसके बाद उसका जूस निकालते हैं। अगर वो सिंपल शैंपेन हुआ तो उसको टैंक में फर्मेंटेशन किया जाता है, और फर्मेंटेशन के दौरान क्या होता है ना, ये जो बबल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके कारण हम लोग उसको बोलते हैं स्पार्कलिंग वाइन, वो बबल एस्केप कर जाता है टैंक से क्योंकि बहुत मुश्किल है तो उसको स्टोर करके रखना। तो उसके बाद जब वो फर्मेंटेशन कंप्लीट होता है तो ब्लेंडर है, मास्टर ब्लेंडर, उसको टेस्ट करते हैं और एग्जैक्टली जो ब्रांड आप पसंद करते हैं उसका जो कैरेक्टर है, जो टेक्सचर है, जो नोट्स आपको मिलते हैं उसी को उसके साथ मिलाते हैं। यहाँ पर एक बात बोल दूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया तीन प्रिंसिपल ग्रेप्स, बट यहाँ पर कुछ अदर ग्रेप्स को भी
मिलाया जाता, मतलब ग्रेप्स वाइन को यहाँ पर मिलाया जाता है जो फाइनल कैरेक्टर है वो डिलीवर करने के लिए। जैसे ये ब्लेंडिंग खत्म हो जाता है तो उसके बाद उन सब वाइन को इन बॉटल्स में डाला जाता है सेकेंड फर्मेंटेशन के लिए। याद रखिएगा कि कोई भी शैंपेन अगर आपके हाथ में आता है तो जान लीजिएगा कि वो 2 times फर्मेंटेशन किया गया है। अब ये सेकेंड टाइम फर्मेंटेशन क्या है, इसके अंदर में वाइन भी डाला जाएगा साथ साथ शुगर एंड ईस्ट भी डाला जाएगा, जी हाँ, और उसको एक क्राउन से, जो हम लोग का कोल्ड ड्रिंक्स का क्राउन है ना, उसी को लगाया जाएगा और उसको ऐसे 45 डिग्री में डाल के रखा जाएगा, मैच्योर किया जाएगा और ऐसे करके 5 to 10 months तक ऐसा रखा जाएगा और उसको फर्मेंटेशन किया जाएगा। अब ये फर्मेंटेशन के दौरान अंदर में क्या होगा, बबल्स जनरेट होगा और ये जो बबल्स है बहुत टाइनी होता है और साथ साथ ये अल्कोहल भी कन्वर्ट करेगा और इसका जो अल्कोहल परसेंटेज है वो 12 तक लेकर जाएगा। अब इस दौरान वाइनरी जो है इसको ना थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ देता है। सप्ताह में एक दिन एक बंदा आता है और ये जो देख रहा है ना बहुत सारा बॉटल रखा हुआ है, सिर्फ एक ट्विस्ट करके ऐसा छोड़ के चला जाता है। ऐसे करने से क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताया कि अंदर में फर्मेंटेशन हो रहा है और फर्मेंटेशन के दौरान लीस भी जेनरेट होता है, मतलब इम्प्योरिटी भी जेनरेट होता है और वो जो है वो बॉटल के नेक तक लाना है, क्योंकि अगर वो इम्प्योरिटी से भरा पड़ा रहेगा और सेडिमेंट आपको दिखेगा तो आप वो शैंपेन बिल्कुल नहीं पियेंगे। तो ऐसे करके एक बार ट्विस्ट करके, फिर एक सप्ताह बाद और एक ट्विस्ट करके आहिस्ता आहिस्ता उन सेडिमेंट को सामने लाया जाता है। अब जब 6 months या 1 year बाद, जैसा जैसा कंपनी का क्राइटेरिया है, जो जो नियम है उसको फॉलो करने के बाद, तो उसको ऐसे करके नीचे एक बहुत ठंडा 46 degrees Celsius में डाला जाता है ऐसे। तो इससे फायदा क्या है, देखिए पूरा जो बॉटल है इसके अंदर में फर्मेंटेशन हुआ है और फर्मेंटेशन के दौरान यहाँ पर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जेनरेट हुआ है, बहुत प्रेशर जेनरेट हुआ है जो चाहिए शैंपेन के साथ। बट अगर कोई कारण से आप बॉटल को खोलते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो निकल जाएगा, तो इसीलिए ये जो जगह है उसको बर्फ में कन्वर्ट करते हैं और जैसे ही खोलते हैं उस पर्टिकुलर क्राउन को जो कोल्ड ड्रिंक्स में लगाया जाता है, तो उसके साथ साथ प्रेशर होने के कारण वो जो आइस का टुकड़ा है बड़ी जोर से निकल जाता है, साथ साथ अंदर में जो लीस था, जो गंदगी था, वो भी निकल जाता है। अब तुरंत उसको हाथ से बंद करके फिर वहाँ पर थोड़ा सा वाइन डाल के इस बॉटल को फिर से रिफिल करते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बोल दूँ कि यहाँ पर जो भी वाइन डाला जाएगा वो थोड़ा सा अमाउंट वो डिसाइड करेगा कि आपका जो शैंपेन है वो क्या एक्स्ट्रा ड्राई होगा, सेक होगा, डेमी सेक होगा, ब्रूट होगा, क्या होगा वो डिसाइड करेगा वो छोटा अमाउंट ऑफ वाइन। उसके बाद उसको फिर से बंद किया जाता है। अब यहाँ पर यूज किया जाता है कॉर्क को, जो आप हमेशा वो जो वायर का केज है उसको खोल के पॉपअप करते हैं, उस कॉर्क को लगाया जाएगा और उसके बाद फिर से इसको मैच्योर करने के लिए सेलर में रखा जाएगा, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। और अब कंपनी इसको 4 years, 5 years, 10 years अकॉर्डिंग टू देयर क्राइटेरिया वो उसको मैच्योर करेगा और वाइनरी में लाएगा और उसके बाद उसको अच्छा करके धो के फिर लेबलिंग होगा और लोगों को लगाया जाएगा और प्रॉपर तरीके से केज लगा के आपको डिलीवर किया जाएगा। यहाँ पर बहुत टेक्निकल टर्म्स है जो मैंने इग्नोर कर दिया इस वीडियो के दौरान, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाए आपको समझने में, तो मैं आसान तरीके से आपको समझाया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है कि मान लेता हूँ कि शैंपेन रीजियन में, जहाँ पर फ्रांस का जो शैंपेन रीजन है वहाँ पर कोई स्पार्कलिंग वाइन बनता है तो हम लोग उसको बोलते हैं शैंपेन। अच्छा, अगर वो इटली में बनेगा तो क्या हम लोग उसको क्या अलग नाम से पुकारेंगे? ऑफ कोर्स, इटली में अगर बनता है तो हम लोग उसको पुकारेंगे यू नो प्रोसेको बोलकर, प्रोसेको। देखिए अगर दार्जिलिंग में टी बनता है तो हम लोग दार्जिलिंग टी बोलते हैं, बट आसाम में भी तो बहुत अच्छा चाय मिलती है ना, तो फिर हम लोग आसाम टी बोलते हैं। वैसे ही कुछ है, अगर इटली में बनती है तो इसको आप बोलेंगे प्रोसेको। अगर मान लेता हूँ कि ये स्पेन में बन रहा है, मतलब एकदम बगल में शैंपेन रीजन के एकदम बगल में, तो क्या हम लोग उसको शैंपेन बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं, उसको हम लोग बोलेंगे कावा। तो फिर इंडिया में अगर बनती है तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स हम लोग बोलेंगे स्पार्कलिंग वाइन, जो अदर वर्ल्ड भी पुकारते हैं। और एक चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, वो है कि
मिथॉड शैंपेन के अलावा क्या और कोई तरीका है जहां से ये स्पार्कलिंग वाइन को तैयार किया जा सकता है? ऑफ कोर्स है, और बहुत कंट्रीज उसको फॉलो भी करता है। अगर मैं इटली का बात करूं तो यहाँ पर टैंक फर्मेंटेशन होता है, यहाँ पर बॉटल फर्मेंटेशन करता ही नहीं है, जैसे कि शैंपेन में होता है बॉटल के अंदर में फर्मेंटेशन, बट प्रोसेको के लिए टैंक में फर्मेंटेशन होता है। इंडिया में भी वैसे टैंक फर्मेंटेशन को अंजाम देकर स्पार्कलिंग वाइन को तैयार किया जाता है। कुछ कुछ ब्रांड है जो मिथॉड शैंपेन को भी फॉलो करता है इंडिया में। जी हाँ, कुछ ब्रांड है, अगर वो है तो बॉटल में आपको दिख जाएगा लिखा हुआ है मिथॉड शैंपेनाइज। तो बहुत सारा तरीका है जिस तरीके से स्पार्कलिंग वाइन को बनाया जा सकता है। एक वाइटल पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कोई भी शैंपेन, अगर बहुत एक्सपेंसिव शैंपेन आप पी रहे हैं तो उसको कैसे पहचानेंगे? सिंपल है, मान लेता हूँ कि ये एक शैंपेन आपने पोर करके रखा है, तो देखिएगा ठीक मिडिल से बहुत टेनी किस्म का बबल्स ऊपर में उठ के आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वो जो शैंपेन है बहुत ही एक्सपेंसिव शैंपेन है। उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो बबल्स होता है बहुत टेनी टेनी होता है। बट अगर आप मान लीजिए कोई टैंक फर्मेंटेड स्पार्कलिंग वाइन पी रहे हैं तो आप देखिएगा कि इसका जो बबल्स है बहुत मोटा मोटा होता है। जैसे कि अगर सोडा को आप डालिएगा कोई भी ग्लास में तो देखिएगा बबल्स कितना मोटा मोटा निकल के आता है ना, तो उससे आपको पहचान मिल सकता है कि आप एक्सपेंसिव शैंपेन पी रहे हैं या नॉन एक्सपेंसिव। एनीवे, वीडियो कैसा लगा? अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज फ्रेंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।